जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं, ये है मुस्तफ़ा भाई, मैं इनका उस्ताद हूँ, ये मुझे कहते हैं उस्ताद, लेकिन स्विमिंग का, लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रिशियन के उस्ताद या सोलर के मेरे ये उस्ताद हैं। इनसे मैं पूछ, काम मैं खुद कर रहा हूँ, लेकिन इनसे मैं एक एक बात पूछ के जो है ना चल रहा हूँ। तो अभी मैंने बुलाया है मुस्तफ़ा भाई, जो है ना विज़िट कर रहे हैं मेरी साइड की। तो मुस्तफ़ा भाई, क्या कोई आपने मुझे बताना है कि जो है ना क्या पोजीशन है काम की? स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा बनाया आपने जी, और बेनिफिट भी मिलेगा इसका, साउथ बड़ा अच्छा बनाया साउथ, और इसका एंगल जो रखा है वो भी आपने, इसका ट्रीट एंगल भी बड़ा बेहतरीन है माशाल्लाह। क्या मुझे तो, मैं तो ये मेरे को तो ये हो रहा है कि यार प्रोजेक्ट लूँ और साथ में आप मसरूफियत को देखते हुए, यकीन करें मैं आपसे ही काम करवाना था। मसरूफियत को देखते हुए मैंने कहा कि मुस्तफ़ा भाई इतने मसरूफ़ हैं कि जो उधर से आवाज़ आ रही है, उधर से आवाज़ आ रही है, थोड़े लोग भी नाराज़ हो रहे हैं भाई। मसला ये है, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मुस्तफ़ा भाई ने जब शुरू से काम किया हो तो वो आपके काम को समझेंगे, जब काम कोई करके जाए तो वो आपके काम को ढूंढने में उनको जो है ना पूरा दिन लग जाएगा कि मेरे नुक्स कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो जिससे काम किया जाए वही काम को जो है ना फिर अच्छी तरीके से वो समझ के उसको, हाँ आपको यहीं से मेरे को, वो आपका 6 किलोवाट सिस्टम लगा था जी जी जी, ये अब्दुल कयूम भाई का, ये 6 किलोवाट का सिस्टम, ये 6 प्लेट एक पे लगी हुई है, 6 प्लेट एक साइड पे लगी हुई है, 12 प्लेटों पर नेटवर्क्स 6 किलोवाट का ये इन्होंने इंस्टॉल किया है। और मैंने जाके पहले विजिट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मुस्तफ़ा भाई के काम को मैंने नहीं देखा था, मैंने 2-3 जगहों पे जाके देखा, मुझे बहुत पसंद आया। अभी मैं अपना काम इनके तरीके पे कर रहा हूँ, इनको देख के कर रहा हूँ, समझो इनको मैं देख कर काम को, और अभी मैं इनको चेक करने के लिए इनको बुलवाया है। तो मुस्तफ़ा भाई चल के नीचे ज़रा चेक करें मेरे काम को, ऊपर तो आपने चेक कर लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आबिद रहमानी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों काम करने के दौरान मैं वीडियो बनाना, मैं प्रोफेशनल बंदा तो हूँ नहीं, ना इस काम का ना वीडियो बनाने का, आपको मेरी वीडियो से पता है, उसमें देसी सी वीडियो होती है और उसमें मुझे पता नहीं चलता। काम के दौरान मैंने काफ़ी क्लिप बनाया है, वो मैं साथ साथ अपलोड करूँगा, तो उसी के दरमियान में, तो बहरहाल मैं जो है आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि ये मेरा जो पुराना मतलब घर का जो मेन बॉक्स लगा हुआ है, इसमें हैवी लोड भी है, लो लोड भी है, लेकिन ये मेन डबल पोल वाला ये मेन ब्रेकर है। ये मेन ब्रेकर से मैंने करंट लिया, यहाँ से इन हुआ है अंदर से और यहाँ से आउट होकर ये यहाँ पर आ गया। अब जब मैं बंद करूँगा तो पूरा सिस्टम ग्रिड से ऑफ हो जाएगा, सही है। यहाँ से मैंने लिया और यहाँ से यहाँ पर आकर, यहाँ पर जब मैंने यहाँ इसको यहाँ से लेकर इस मेन ब्रेकर पे लिया, ये मेन दूसरा ब्रेकर हो गया। अब ये मेन ब्रेकर हो गया और मेन ब्रेकर के जो है इस साइड से नीचे से मैंने इस, ये ऑन है तो बाईपास के लिए मैंने यहाँ से दिया, यहाँ से नहीं दिया, यहाँ से दूंगा तो जब इसको ऑफ करूंगा इन्वर्टर को ऑफ करना होगा तो फिर ये भी ऑफ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको इन से मैंने देना है ताकि ये ब्रेकर ऑफ करूं तो इन्वर्टर ऑफ हो जाए, लेकिन यहाँ से बाईपास इसको मैंने 2 नंबर पे दे दिया, 1 नंबर पे मैंने सोलर चलाना है, 2 नंबर पे मैंने के इलेक्ट्रिक ग्रिड चलानी है, सही है जी। तो यहाँ से दिया, अब मैं जब इसको ऑफ करूंगा तो मेरा मतलब ऑफ करने पर मेरा सोलर बंद हो जाएगा, लेकिन ये बाईपास जब मैं 2 पे कर दूंगा तो के इलेक्ट्रिक चलेगी मेरी, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद यहाँ से जो आउट हुआ ये अब मेन स्विच हो गया ब्रेकर का, डबल पोल वाला ब्रेकर का ये हो गया, यहाँ से मैंने इसका कंट्रोलर पे दिया, ये मेन इसकी गई है यहाँ पर ग्रिड, और वहाँ से मैंने इसको लाइट लोड लिया है और ये हैवी लोड इससे लिया है, जी जनरेटर का जो कहते हैं आपको मालूम आता है, यहाँ से ये वापस आकर यहाँ से होता हुआ ये लोड यहाँ पर आ गया इस पर, और ये दूसरा लोड यहाँ पर हैवी के लिए आ गया, और यहाँ से इस ब्रेकरों को देकर 1 पे मैंने इसको जो यहाँ से ऊपर, ये बॉक्स छोटा है, बॉक्स बड़ा लें, मैं आपको जो बताऊँ बॉक्स कभी भी छोटा ना लें, क्योंकि बहुत काम करने में दुश्वारी होती है, कोशिश करें कि डीपी बॉक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने फिर इसको आउट देकर यहाँ से लाकर इसको 2 लोड में कन्वर्ट कर दिया, हैवी लोड और लो लोड, यानी एसी का और मोटर का लोड अलग कर दिया, फ्रिज तो लो लोड में डाली है क्योंकि फ्रिज घर में हर टाइम पर चलनी होती है,
फ्रिज मैंने और घर के कमरे कमरों के पंखे वगैरह मैंने जो है उसको लाइट लोड में रख दिए हैं, हैवी लोड में मैंने एसी और मोटर रख दिए हैं। अच्छा, अब मैंने ये मेरा इनवर्स नाइट्रोक्स 8 किलोवाट का ये मेरा जो है इन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पर, दूर मैंने लगाया, ऊंचाई पे लगाया ताकि हवा भी, इसको हवा की जरूरत तो नहीं होती है लेकिन फिर भी अच्छा है, हवादार जगह पे लगा रहा है, ठंडा रहता है। अब मेरी ये जो यहाँ से मेरी ऊपर से लाइन आ रही है, छत से जो मैंने सोलर लगाए हैं उसकी मैंने दो मैंने डीपीएम बनाई है, दो पीवीएम बनाई है, दोनों पीवीओ पे मैंने ये देखे इस इन्वर्टर से इन सिस्टम से दूर मैंने डीसी जो है डीसी ब्रेकर लगाए हैं दूर, क्योंकि पूरे सिस्टम में जो सबसे ज्यादा जलने का खतरा होता है और जो आग लगने का खतरा होता है वो डीसी ब्रेकर, और मैंने ये डीसी ब्रेकर चिंट के डीसी ब्रेकर ओरिजिनल चिंट के ब्रेकर लिए हैं। अब इसमें मतलब ये चिंट के ओरिजिनल हैं, इसमें मार्किंग के मार्किंग भी आती है, दो नंबर भी आते हैं, लेकिन मैंने दोस्त से और वाकफार बंदे से लिए, उन्होंने मुझे गारंटी से ये चिंट के ब्रेकर दिए हैं। तो यहाँ से आग लगने का खतरा, इससे कोशिश करें कि अपने सिस्टम से दूर रखें क्योंकि ये जलने का ज़्यादा खतरा होता है। तो यहाँ से ये गया और ये मेरा सिस्टम इसके अंदर क्लीन हो गया। तो बाकी साथ साथ मैं आपकी खिदमत में वीडियो लेकर हाजिर रहता रहूँगा और आपको मैं अपना अब वो बताऊँ जो मैंने छत पे पैनल लगाए हैं वहाँ से पीवीएम लगाई है, 12 प्लेटें लगाई थी, 2 प्लेटें किसी ने मेरी तोड़ दी हैं, तो अब मैंने इसमें 6 ये 8 किलोवाट है, इससे इसमें 6 प्लेटों से लेकर 18 प्लेटों तक आप यूज़ कर सकते हैं, 18 प्लेटों तक, 20 तो दो एक्स्ट्रा हैं लेकिन 18 नॉर्मल आप यूज़ कर सकते हो। तो बहरहाल अभी मैंने 12 लगाई थी, इसमें 2 टूट गई, 10 में मैं चला रहा हूँ, 5-5 की 2 प्रीमियम नहीं है, अब 8 प्लेटें मैं इसमें इंशाल्लाह और डालूंगा। तो बहरहाल मैं आपको विजिट कराता हूँ अपने सोलर जो मैंने फिट किया है वहाँ। ये दूसरी पीवी का आखिरी कनेक्टर हम जो है ना ये माइनस में है और हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पीवी दो पीवी बन जाएंगे, ये लाभ हो गया। तो इसके ऊपर हमने ये पाइप अच्छी तरह चढ़ा दिया, ये सरिये का जाल निकला हुआ था, सरिये का जाल निकला हुआ था, तो जाल कैसे खड़े थे तो सरिये हमने लटा दिए थे यहाँ पर पहले जाल में, अभी जाल में हमने एक को ये कितने 6 सरिये उनको सही तरह हमने ग्रिप किया, डबल गार्ड लगा दिया, तो ये थोड़ा सा आउट हो गया था तो मैंने इसकी सीध करने के लिए डबल लगा दिया ताकि स्पोर्ट मजबूत हो जाए, बाकी तो गार्डरों की वीडियो बनाओ था नजदीक से। ये दूसरी पीवी जो हमने यहाँ लगा दी, छोटे वाले से अच्छी तरह प्रेस करना है, देखो क्लिप और से देखो अच्छी तरह ग्रिप क्लिप को कर दिया, बिल्कुल लूज नहीं है। इसका ये निकाला, करीब से करके देखो, ये डाल दिया, ठीक है, उसके बाद ये इसका लगा दिया, ये इसका, अब ये इसकी टिक की आवाज़ के साथ, ये टिक की आवाज़ के साथ अंदर देखा, ये टिक की आवाज़ आई है, ये देखो मोटा वाला लाया हूँ, तार 8 mm की थी इसलिए ये क्लिप उसका थोड़ा सा लूज लाना पड़ा मुझे। ये इसके साथ मिल जाना चाहिए, आपके मेरे हाथों में दम है इतना कि आप मिला सकते हो, तो ये इस तरह मिल जाना चाहिए, अगर नहीं तो इसकी चाबी होती है, चाबी से भी ये सही टाइट हो जाता है। अभी इसमें हमने पाइप काटे हुए वो पाइप हम चढ़ा देंगे, क्योंकि जहाँ से मैंने प्लेटों का वायर ज़्यादा दिया है तो यहाँ तार को धूप नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पर ये पाइप यहाँ पर इसको लॉक कर दूँगा ताकि साए में रहेगी तार। ये 2 पीवी मैंने बना ली, एक वहाँ से 5 की बनाई है, ये 2 प्लेटें मेरी ज़ाया हो गई हैं, तो मैं इसलिए अब 10 प्लेटों पर ही चला बना रहा हूँ।
ये मिला दिया, लग लग गया। हालांकि इतनी जरूरत नहीं है, मैं फिर भी ये तार इसकी कैप के अंदर है, फिर भी जहाँ धूप लगेगी वहाँ पर मैं इसको ये पैप चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी चिराएंगे तो उस तरफ भी चिराऊंगा, वहाँ सिंगल तार है, सिर्फ ऐसी तार है। ये अब हम कनेक्शन कर देंगे और बाद में इसको हम अच्छी तरीके से गटर के साथ बांध देंगे। स्ट्रक्चर भी मैंने खुद कंप्लीट किया है, स्ट्रक्चर में मैंने जो बिल्डिंग के अपने सरिये और पिलर आ रहे थे उसके सरिये मैंने पहले से छोड़ दिए थे, और ये कटाई करके मैंने सरियों के ऊपर वेल्डिंग की है इसके गार्डरों को, और गार्डरों पे मैंने स्ट्रक्चर खुद वेल्डिंग किया है। तो बहरहाल इसका मुझे कॉस्ट जो है 76,000 रुपये में गार्डर पड़े हैं और इसकी वेल्डिंग मैंने खुद ही की है। बाकी मैंने मेरे 12 पैनल थे, ये पैनल ज़्यादा डैमेज हो गया है, और ये पैनल में हल्की दरारें हैं, इसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा बड़ा सिस्टम है। तो अब मैंने 5 की पीवी एक बनाई है और 5 की पीवी ये लाइन की एक पीवी बनाई है, और यहाँ से लेते हुए मैंने यहाँ से ज़रा आप देख लें कि ये जो है ना कनेक्टर है, कनेक्टर के ऊपर मैंने ये लगा के टाइप की लगा दी है ताकि इस पर धूप लग के ये कमज़ोर ना पड़े, बाद में ये अगर गल गया तो उसको फिर चेंज कर दिया जाएगा। ये इसका माइनस ये प्लस आपस में जोड़ते हुए मैंने वहाँ से ये फिर प्लस और ये माइनस, और प्लस से मैंने ये तार ले ली, तार को मैंने 200 में छील लिया, तो ये प्लस मैंने इस तरह ले गया, और इसके भी जहाँ धूप लगने का अंदेशा है वहाँ पर, हालांकि इसे होना तो कुछ भी नहीं है, कितनी बड़ी मोटी रबड़ है, तो यहाँ से लेकर वो जो है इस तरफ मैंने माइनस की, वहाँ से माइनस लेकर ये मैंने यहाँ से जो फालतू दिया लपेट कर ये उतारी ये तार, और यहाँ पर पानी में पाइप में पानी ना जाए अच्छी तरह टेपिंग कर दी है मैंने, और ये एक फालतू ये पाइप भी मैंने बिल्डिंग बनाने से पहले छोड़ दिए थे मैंने, मुझे पहले से मुझे ये था, और इसी तरह वो सिस्टम करके मैंने पूरा जो है ये दूसरी पीवी यहाँ से गई है। तो ये 10 प्लेटों की आप देख लें, इसमें ये कोशिश ये कर रही है कि आपने इसमें जो ये कवे वगैरह जानवर परिंदे वगैरह बिठे कर देते हैं इसको जल्द अज जल्द साफ करने की कोशिश करनी है, ये यहाँ से शार्ट होने का ज़्यादा अंदेशा है। तो वो प्लेट मेरी ख़राब हुई है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, पत्थर आया था पीछे वाले घर पर, वो यहाँ लगी हुई थी एक, और एक यहाँ लगी हुई थी दरमियान से पत्थर आया, यहाँ से तोड़ता हुआ नीचे निकल गया। बहरहाल ये किस्मत की बात है, क्या कहें, अल्लाह ताला सबको अदाय दे, हमें भी अदाय दे, बहुत शुक्रिया। अब इनमें जो मसले मसाले मेरे साथ पेश आए हैं, मैं खुद एक प्रैक्टिकल मैंने किया है, मैं खुद कारीगर भी नहीं हूँ, एक अनाड़ी बंदा थोड़ा बहुत काम जानता हूँ, तो मैंने इसमें मैंने जो मालूमात ली है वो मुझे मुस्तफ़ा भाई है जो हमारे यहाँ सोलर का बेहतरीन काम करते हैं, उनके काम को मैंने पहले चेक किया, सराहा, और बहुत बेहतरीन काम, मुझे उनका काम पसंद आया, सबसे बेहतरीन और बेस्ट काम कर रहे हैं यहाँ पर मुस्तफ़ा भाई, प्रोफेशनल तरीके से, उनके पास टूल भी पूरे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा आबिद भाई कोई भी मसला होगा मैं आपके लिए हाज़िर हूँ, आपको बताऊँगा, और मैं उनसे पूछता भी रहा, उनको दिखाया भी, उन्होंने मुझे मशवरा भी दिए और गाइड भी किया, और साथ मेरे काम को सराहा, उन्होंने बहुत कहा बेहतरीन काम माशाल्लाह किया है। तो अल्लाह ताला सबको जो है अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बाकी मज़ीद जो मसले मसाइल होंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि मुझे क्या दुश्वारियाँ पेश आई हैं। इलेक्ट्रोक्स 8 kW जो मैंने फिट किया उसमें स्टार्टिंग का ही मसला हो रहा था, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा मैंने उसकी किस तरह हल की है। तो आप अपनी अगली वीडियो के तक के लिए मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।